तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज दो मैच खेले गए। पहले मैच में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को हराया, तो वहीं दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा कर पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हासिल कर लिया। तो ऐसे में पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कितने नंबर पर है, किस टीम के पास कितना पॉइंट्स है, वहीं यहाँ से किस टीम को कितने मैच और जीतने होंगे सुपर 12 में पहुँचने के लिए, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए के पॉइंट टेबल की। तो ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान यानी चौथे नंबर पर है यूएई। यूएई ने अब तक दो मैच खेले और दोनों मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। जहां इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, तो नेट रन रेट -2.028 है, जो कि बेहद खराब। अब इस टीम को एक मैच और खेलने हैं, अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है काफी बेहतरीन नेट रन रेट, तो भी इस टीम के सुपर 12 में पहुंचने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है श्रीलंका। श्रीलंका ने अब तक दो मैच खेले हैं, एक मैच में जीत मिली है जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल 2 पॉइंट इस टीम के पास, नेट रन रेट +0.600 है। अभी इस टीम को एक मैच और खेलने हैं, अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो यह टीम सुपर 12 में पहुंचेगी। अगर इस टीम को उस मैच में हार मिलती है तो सुपर 12 में पहुंचने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहने वाले हैं। तो ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है नामीबिया। नामीबिया ने अब तक दो मैच खेले हैं, एक मैच में जीत मिली है जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल 2 पॉइंट इस टीम के पास है, लेकिन नेट रन रेट +1.277 है। एक मैच और खेलने हैं, अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो यह टीम सुपर 12 में जगह पक्की कर लेगी। तो ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने दो मैच खेले हैं, दोनों मैच में इस टीम को जीत मिले। इस टीम के पास टोटल 4 पॉइंट है, तो नेट रन रेट +0.149 है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। अब इस टीम को एक मैच और खेलने हैं, अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो यह टीम ऑफिशियली सुपर 12 में पहुंचेगी। वैसे ऑलमोस्ट 4 पॉइंट के साथ इस टीम ने सुपर 12 में जगह पक्की कर ली है। बात करते हैं ग्रुप बी के पॉइंट टेबल की। तो ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर है वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज ने अब तक दो मैच खेले, एक मैच में जीत मिले जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल 2 पॉइंट इस टीम के पास है, लेकिन नेट रन रेट इस टीम का माइनस में। अभी एक मैच और खेलना, उस मैच में इस टीम को काफी बेहतरीन नेट रन रेट से जीतना होगा सुपर 12 में पहुंचने के लिए। तो वहीं ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है आयरलैंड। आयरलैंड ने अब तक दो मैच खेले, एक मैच में जीत मिले जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल 2 पॉइंट इस टीम के पास है, नेट रन रेट -0.468 है। एक मैच और इस टीम को खेलना और उस मैच में इस टीम को काफी बेहतरीन नेट रन रेट से जीतना होगा सुपर 12 में जगह बनाने के लिए। बी के पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने अब तक दो मैच खेले, एक मैच में जीत मिली है जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल 2 पॉइंट इस टीम के पास है, नेट रन रेट +0.759 है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। अब इस टीम को एक मैच और खेलना है, अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो यह टीम सुपर 12 में जगह पक्की कर लेगी। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में सबसे पहले नंबर पर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अब तक दो मैच खेले, दो मैचों में से एक मैच में जीत मिली है जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल 2 पॉइंट इस टीम के पास है, लेकिन नेट रन रेट इस टीम का काफी ज्यादा बेहतर है। अब इस टीम को एक मैच और खेलना है और उस मैच में इस टीम को जीतना होगा सुपर 12 में जगह बनाने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का नया पॉइंट टेबल, जो कि 8वें मुकाबले के बाद। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी वो 4 टीमें रहेंगी जो सुपर 12 में जगह बनाएंगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।